Morning friends, thanks for watching my YouTube channel. This video regarding buying new action camera. So dosto, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था एक्चुअली न्यू एक्शन कैमरा खरीद लूँ करके, बट मनी प्रॉब्लम, उसकी वजह से मेरा कुछ आगे प्लान नहीं बन रहा था। तो मैं आज जा रहा हूँ मुंबई में फोर्ट में न्यू कैमरा खरीदने के लिए, और मेरे पास एक्चुअली पहले से एक्शन कैमरा है, बट उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बट इसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इतनी कुछ अच्छी नहीं है। HD कैमरा है, बट ये मुझे मिला था भी बहुत सस्ते में, मैंने मिला था, मुझे याद नहीं अभी, बट इसकी इतनी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नया कैमरा ले लूँ। तो उसमें मैंने एक दो ऑप्शन फाइंड आउट किए हैं, जिसमें एक GoPro Hero 5 है, और GoPro Hero 6 तो काफ़ी कॉस्टली है, तो GoPro Hero 5 से मैं काम चलाने वाला हूँ। और दूसरा एक एशिया कैम, वो भी मुझे ठीक लग रहा है, 7 स्टार। अभी देखता हूँ वो दोनों में से कोई एक कंपैरिजन करके मुझे अच्छी प्राइस में जो मिलेगा वो मैं लेने वाला हूँ। बात फ्रेंड्स, आज मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे ब्रो का कोई फ्रेंड है, उसे भी DSLR खरीदना है, तो वो भी हमारे साथ ही आ रहा है। सो हम बाइक कार जा रहे हैं, चलो देखते हैं। से अनबॉक्सिंग करके ले रहा हूँ। सो दिस इज माय कैमरा।
ये देखिए मेरे GoPro Hero 5 का लुक। देख सकते हो 360 डिग्री व्यू कैसा दिखता है इसका। प्रो इसके साथ मैंने एक वाटरप्रूफ केस भी खरीदा है जो कि मुझे 1300 का मिला है। अभी आप लुक देख सकते हो, इसको पहले से मैंने माउंट करके रखा है, इसका भी 360 डिग्री व्यू देख लो। मैंने चेन माउंट के लिए अब देख सकते हो ये हुक लगाए हैं। है मेरे GoPro का लुक जो कि वाटरप्रूफ का केस के साथ मैंने जॉइंट करके रखा है। एक चेन माउंट की तरह यूज करने वाला हूँ मैं, चेन माउंट में लगा के। ये मेरे SM के हेलमेट पे इसका लुक देखिए।